हमारे घर के जस्ट पीछे ही ना ट्यूबवेल भी है, पाइप भी कितने बड़े बड़े होने लग पड़े। हाथ में मेरे तो चुभ गया बहुत ज्यादा, कभी धूप हो ही जा रही है कभी छांव हो ही जा रही है। उड़ गई, मैं पास हो गया, बल्ले बल्ले। अभी मैं ऐसी दादी माँ कहती हूँ, वो देख स्पर्श रेनबो आ गया, मैंने कहा वाह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज आप लोग सोचोगे पीछे से इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं और घर के बाहर क्यों खड़ा है। तो आज ये देखो, आज मैं आपको ये देखो दिखाऊंगा कि ट्यूबवेल भी होती है हमारे घर के जस्ट पीछे ही ना ट्यूबवेल भी है। ये देखो यहाँ से ट्यूबवेल को ऑन करते हैं और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक, यहाँ से सीधा पानी जाता है खेतों में, फील्ड्स में सीधा पानी जाता है। ये कितने फीट गहरा होता है, बहुत ज़्यादा फीट गहरा होता है। अभी तो साफ किया हुआ है, और साफ हो सकता है, इतना स्ट्रगल कौन करे। अभी लोग नहाते भी नहीं हम लोग, इसलिए अभी इतना साफ नहीं किया हुआ, नहीं तो हम लोग नहाते भी हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ होल भी है वहाँ पे कि पानी जहाँ से निकलता है। तो चलो चलते हैं। ये देखो ग्रेप्स भी कितने बड़े बड़े होने लग पड़े, वाह कितने बड़े बड़े होने लग पड़े, खट्टे होंगे पर अभी बहुत ज़्यादा। ये देखो कितने सारे, इस बार पीछे बहुत ज़्यादा लगे, नहीं तो हर बार इतने नहीं लगते। ये देखो हमने प्लांट्स बहुत सारे उगाए हुए हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े भी हैं। देखो यहाँ से पानी निकलता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वहाँ से सीधा आ रहा था ना पानी अंडरग्राउंड होके, यहाँ से पानी आता है। ये देखो यहाँ से पानी निकल रहा है, फिर सीधा 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 जा रहा है इधर खेतों में, और इधर से अंडरग्राउंड पाइप डाला हुआ है इधर जाता है। ऐसे बार बार पानी मोड़ना पड़ता है, कभी इधर को मोड़ो कभी इधर को मोड़ो, तो बहुत मुश्किल होता है। तो भी मैं तो जा रहा था स्पेशली सब्जियां तोड़वाने, अभी सब लोग सब्जियां तोड़ रहे थे तो मैं भी सब्जियां तोड़वाने जा रहा था। तो और मैं आपको बताऊंगा भी कि सब्जियों की कौन कौन सी वैरायटीज होती हैं, सब्जियां कैसे लगती हैं, स्टेजेस सब्जियों की। तो चलो चलते हैं अभी। Here we go! तो अभी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कुकम्बर की क्या स्टेजेस होती हैं और अलग अलग वैरायटी के कुकम्बर्स। ये देखो सबसे पहले कुकम्बर का फ्लावर निकलता है, ये देखो सबसे पहले फ्लावर निकलता है कुकम्बर का, उसके बाद ढूंढना पड़ता है, ऐसे मिलता नहीं है, किधर गया। ये देखो फिर छोटा सा कुकम्बर निकलता है फ्लावर के आगे, अभी ये कुकम्बर तो नहीं है, बहुत छोटा सा है, अभी ये छोटा ही रहेगा, कितने दिन लगेंगे, फिर ये थोड़ा बड़ा होएगा, ये देखो फिर ये ऐसा बनेगा कुकम्बर, फिर उसके बाद बड़ा हो जाएगा। बड़े वाले भी, अभी बड़े वाले वहाँ पे, जो बड़े हैं हम उन लोग उनको तोड़ने के लिए आए कि वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए ये देखो ये बड़े वाले हैं, ये देखो ये कितना बड़ा है ना, अभी ये मैं तोड़ भी लेता हूँ, चुभता है बहुत ज़्यादा, ओह इसके कांटे लगे होते हैं छोटे छोटे, हाथ में मेरे तो चुभ गया बहुत ज़्यादा, दर्द हो रही है मेरे को, इतना ज़्यादा नहीं पता था। ये देखो ब्लैक ब्लैक है ना, ये पता नहीं क्या है, कांटे हैं कि नहीं, कांटे नहीं है, बच गया। मैंने कहा इतने सारे कांटे लग गए तो मैं गया। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और ये देखो ये कुकम्बर की अलग वैरायटी है, ये है कुकम्बर ही, ये देखो है कुकम्बर ही, पर ये कुकम्बर की अलग वैरायटी है। कुकम्बर हर वेजिटेबल की अलग अलग वैरायटी होती है, कुकम्बर की भी है और हर वेजिटेबल की अलग अलग वैरायटी होती है। हमने कुकम्बर दो तरह के उगाए हुए हैं, एक वो और एक मैंने आपको दिखाई दिया। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि तर का भी लगभग ऐसा ही होता है, बस प्लांट्स में डिफरेंस होता है। ये देखो तर का भी पहले ये निकलता है, फिर वो छोटा सा आता है, कहाँ गया। ये देखो ये अभी छोटा सा आता है, फिर तरे उगती है। तर मैं आपको दिखाता हूँ कैसी होती है, ये देखो ये होती है तर, ये और बड़ी होती है, अभी तो ये छोटी है इसलिए अभी इनको नहीं तोड़ेंगे। तर का भी ऐसे ही होता है,
हर वेजिटेबल को उगाना मुश्किल होता है बहुत, ऐसे मत सोचना कि इजी होता है, हर काम को करना मुश्किल होता है। ये देखो अभी थोड़ा ऐसे ही तोड़े, ये देखो ये तारे लंबी लंबी, एस मेरा नाम सब्सक्राइब टू स्पर्श ब्लॉग्स तार भी कह रही है कोई सेंसेस बात तो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि टिंडे कैसे उगते हैं। सब प्लांट्स का लगभग सेम ही होता है, बस अलग अलग होते हैं वेजिटेबल्स। ये देखो इसका फ्लावर कैसा सा होता है, इसका फ्लावर बहुत अलग होता है। फिर ये देखो बेबी टिंडा, ये देखो कितना छोटा सा है अभी। फिर ये बड़ा होता है, क्यों बहुत टाइम लग जाता है बड़े होने में, धीरे 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 बड़ा होता है। फिर ये देखो फिर ऐसा हो जाता है, ये अभी खाने वाला टिंडा, ये पीछे छुप जाते हैं। ये देखो इनको बड़ा ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। ये देखो एक केरा, इधर भी है टिंडे, ये देखो एक केरा, बहुत सारे ढूंढने पड़ते हैं, इधर भी हैं। ये देखो इनको तोड़ के भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो इस पे भी सेम थोड़े से कांटे से होते हैं ना, वो लगे हुए हैं। ये देखो दो हो गए पूरी बाल्टी भर दूंगा मैं तो, बाल्टी तो भरेगी नहीं क्योंकि भी पक रहे हैं ना, हम तो उनको तोड़ रहे हैं जो भी पक चुके हैं, नहीं तो फिर वो खराब हो जाएंगे, फिर फायदा क्या होएगा। अभी जितने खाने वाले आ रहे हैं वो हम तोड़ी जा रहे हैं। और किस किस को टिंडा नहीं पसंद वो बताए, मेरी फीलिंग्स देख के आप समझ ही गए होंगे कि मुझे टिंडा बिल्कुल नहीं पसंद। बताना कमेंट सेक्शन में किस किस को टिंडा नहीं पसंद। ये देखो यहाँ पे मेलन्स भी लगे हुए हैं, मेलन्स की भी बहुत अलग अलग वैरायटी होती है, हमने अभी दो ही अलग वैरायटी की उगाई हुई है। ये देखो अभी मेरा बेल पे पैर आने लगा था, और अगर हम जैसे इसके ऊपर ऐसे पैर रख देना तो ये बिल्कुल डैमेज हो जाती है, और फिर इस पर बहुत कम चांस होते हैं कि लग जाए, वैसे तो लगते ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे अभी छोटे छोटे मेलन्स है, ये देखो ये एक अलग वैरायटी है। ये देखो और यहाँ पे ना ये फ्लावर्स ही ऐसे ही होते हैं, सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऐसे ही होते हैं फ्लावर्स से लगभग। और ये देखो ये अलग वैरायटी है, ये देखो ये गोल है ना आपको वो थोड़ा लंबा दिख रहा था, अलग अलग वैरायटी होती है इसमें, साइज में भी अलग हो जाता है और खाने में भी थोड़ा अलग हो जाता है, जैसे कि कोई मीठा ज़्यादा होता है कोई इतना मीठा नहीं होता, तो अलग अलग वैरायटीज होती हैं। मैंने आपको दिखाया भी मेलन्स भी कैसे उगते हैं। तो अभी लास्ट और लीस्ट मेरा फेवरेट वाटरमेलन की तरफ चलते हैं। ये देखो अब मैं आपको अपना फेवरेट वाटरमेलन दिखाने लगा हूँ। वाटरमेलन का भी पहले ऐसे ही होता है, इसका पहले ये देखो फ्लावर निकलता है, और ये देखो अभी ये बेबी वाटरमेलन है बिल्कुल छोटा सा। ये देखो आप एक ही में फ्लावर भी उग रहा है और वाटरमेलन भी उग रहा है। ये देखो यहाँ पे कितने सारे फ्लावर्स हैं, मतलब कि एक ही उसमें वाटरमेलन भी उग रहा है और फ्लावर भी उग रहा है। और ये देखो फिर इसके बाद ये छोटा वाटरमेलन होता है, ये देखो ये कितना छोटा सा है, अभी बड़ा हो जाता फिर अच्छा ज्यादा लगता है। ये देखो ओ ये ज्यादा बड़ा हो चुका है फिर भी थोड़ा, ये देखो ये ज्यादा बड़ा हो चुका है, वाह। आपको पता ही वैसे वाटरमेलन वैसे कितना बड़ा होता है, वैसे तो इतना बड़ा होता है। ये देखो यहाँ पे एक और वाटरमेलन भी है, अभी वाटरमेलन उग रहे हैं धीरे धीरे। और ये देखो ये अलग वैरायटी के वाटरमेलन है, ये देखो आपने देखा ही होगा मार्केट में ग्रीन कलर के भी होते हैं, थोड़े थोड़े ग्रीनिश से होते हैं, तो ये हमने वो भी लगाए हुए हैं। हमने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स की एक एक वैरायटी एक्स्ट्रा लगाई हुई है कि हम लोग हर बार ट्राई करते हैं कि कैसा है, क्या स्वाद, टेस्ट में भी डिफरेंस होता है, हर चीज़ की वैरायटी में ना डिफरेंस होता ही होता है। ये देखो यहाँ पे ये कितनी बड़ी बड़ी है, कभी धूप हो ही जा रही है कभी छांव हो ही जा रही है, देखो फिर से धूप जा रही है, आज तो मौसम ऐसे ऐसे ही रह रहा है जज्बात बदल दिया ये देखो ये बड़े बड़े लीव्स, आप ये देख के आप सोच ही गए होगे कि ये क्या है, ये बॉटल गार्ड तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है बॉटल गार्ड इतना भी बुरा नहीं है। ये देखो ये अभी छोटा सा बॉटल गार्ड है, ढूंढना पड़ता है, इसके तो इतने बड़े बड़े लीव्स होते हैं इसलिए ढूंढने में भी टाइम लग जाता है, मैंने तो ये उठा लिए लक्कड़ सी, इससे ढूंढूंगा सोटी, मिल गया। ये देखो ये बॉटल गार्ड, ठीक है अभी फिर से धूप तेज होगी यार, क्या है धूप ये देखो
यहाँ पे ना जैसे हमने अभी आलू की जैसे पटाई हो चुकी है, खुदाई हो चुकी है, तो ये देखो कहीं कहीं पे ना आलू अपने आप उगते रहते हैं। ये देखो जैसे पानी के पास थोड़े आलू रह जाते हैं तो ये फिर से उगने लग पड़ा। ये देखो ये अभी उखाड़ा है। तो ये है बीन्स, ये देखो ये बीन्स ये ऐसे उगते हैं। ये देखो ये छोटी छोटी बीन्स है, कितनी छोटी छोटी है ना, अभी ये बड़ी होगी। ये नॉर्मल साइज होता है बीन्स का। ये देखो कितना सही है। हम तो सिर्फ जैसे कि सब्जियां ना सिर्फ अपने लिए ही उगाते हैं, लोग तो जैसे मार्केट में बेचने के लिए भी उगाते हैं कि इस मंडी में जाती है सब्जियां वगैरह, हम सिर्फ अपने खाने के लिए उगाते हैं। तो देखो जब सीजन होता है तो हमारे को तो मंडी में जाने की ज़रूरत ही नहीं कोई, क्योंकि हमारे सब्जियां इतनी लगी हुई है। हम वाटरमेलन भी लेके ही नहीं आते कभी मंडी वगैरह से, हम लोग को तो यहीं पे मिल जाता है। तो ये फार्मिंग का फ़ायदा होता है। आप लोग भी जैसे अपने गार्डन वगैरह में जो आपको अच्छी लगती है वेजिटेबल्स आप लगा सकते हो सीड लेके दुकान से। यहाँ पे रामा तोरी की बेल लगी हुई है। ये देखो ये अभी रामा तोरी उगनी शुरू नहीं हुई, अभी फ्लावर्स ही आए हैं। ये देखो इधर भी, ये देखो ये ना बेल ऊपर चढ़ जाएगी दीवार पे, पूरी चढ़ जाएगी वहां तक, उधर साइड भी चली जाएगी, फिर हम उधर साइड से भी तोड़ते हैं। ये पीछे तो बच्चे कितना शोर डाल रहे हैं ना, खेल रहे, सुबेरे सुबेरे खेलने आ जाते हैं, कोई और काम ही नहीं है बच्चों को तो। ये देखो यहाँ पे रामा तोरी लगी हुई थी पीछे, रामा तोरी तो अच्छी लगती है मुझे। ये देखो यहाँ पे पंप 56 कद्दू लगा हुआ है। ये देखो 56 कद्दू बड़े बड़े भी हैं, इसके फ्लावर्स देखो आप कितने बड़े बड़े हैं, देखो कितने बड़े बड़े फ्लावर्स हैं 56 कद्दू के। ये देखो ये भी बॉटल गार्ड जैसे ही बड़े है होते हैं, बस ये थोड़े अलग होते हैं। ये देखो कांटे लगे हुए हैं ना इस पे थोड़े थोड़े, जैसे जैसे कुकम्बर पे चुभ गया वैसे ही मेरे हाथ पे फिर से चुभ गया। वो कांटे होते हैं हर सब्जियों में थोड़े थोड़े, अभी आगे भी लगी हुई हैं सब्जियां, चलते हैं आगे भी। तो यहाँ पे लगे हुए हैं पंपकिन। ये देखो पंपकिन के भी फ्लावर्स कितने बड़े बड़े हैं पंपकिन। ये देखो ये अभी तो छोटा ही है, बेबी पंपकिन है बिल्कुल, ये तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे कार्टून में नहीं होता हैलोवीन वाले इतने बड़े बड़े, असली में हो जाते हैं ये। ये देखो और अगला वेजिटेबल है ये ओकरा, इसको इंटरनेशनल में ओकरा बोलते हैं, इंडियन लेडी फिंगर और हिंदी में भिंडी। ये देखो कितनी सारी भिंडी लगी हुई है, ये देखो यहाँ भिंडी 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 कितनी सारी भिंडी है, भिंडी भिंडी कितनी सारी भिंडियाँ ही लगी हुई हैं। भिंडियाँ सबसे ज़्यादा, करेले भी लगे हुए हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, सारी जो लगभग मेरे को नहीं पसंद वही लगी हुई हैं। ये देखो अब यहाँ से हमारा खेत ख़त्म हो गया है, अब यहाँ पे इधर साइड अब वापस जाओ तो इधर साइड वापसी में करेले लगे हुए हैं। ये करेले हैं, ये रामा तोरी है, ये देखो रामा तोरी उग भी रही है। ये देखो ये रामा तोरी होती है, तर और रामा तोरी सेम ही लग रही थी, वो बस पतली होती है तर। ये देखो ये करेले हैं, अभी करेले भी छोटे छोटे ही हैं, फ्लावर्स ही निकले हुए हैं करेले के भी, करेले हाँ अभी छोटे छोटे। ये देखो इसकी भी रामा तोरी के ऊपर तक हमारे घर के अंदर चली जाएगी। और ये देखो ये जामुन का पेड़ है और बर्ड्स ने वो देखो अपना नेस्ट भी बनाया हुआ है, देखो बर्ड्स ने खुद अपना नेस्ट बनाया है। ओह माय गॉड, कितना अच्छा, छोटा सा होल है उसके अंदर से बर्ड्स जाती हैं अंदर अपने नेस्ट के, हमने देखा भी था पहले भी हम देखते थे ना, अब तो जैसे कि ब्राउन कलर के हो चुके, पहले ग्रीन कलर के होते थे जब मतलब कि बनाया ही बनाया होता था, बहुत टाइम हो चुका है इसको तो। अभी भी बर्ड्स रहती है रात को, जब आती है ना तो आती हैं बर्ड्स रहने, अब तो ब्राउन हो चुका है। अभी मैं जा रहा था और अभी मेरे को दिखी लेडी बर्ड और मेरे को ना पापा का एक याद आ गया जोक सा। पापा कहते हैं हम लोग पता कैसे करते थे, हम लोग करते थे कि उंगली पे ऐसे लेडी बर्ड को रखते थे और देखते थे, अगर उड़ गई फिर तो हम पास हैं, अगर बैठी रही फिर तो तोते उड़ गए। मेरे को मेरे याद आया, मैंने कहा आपको भी बताऊं, तो पहले ऐसे करते थे पापा लोग, पर अब तो आपको पता ही है अब तो अब ज़्यादा ही पढ़ाकू हम लोग जैसे आ चुके हैं। तो हम तो ऐसे नहीं करते, आज मैं भी अपना ट्राई करूँगा पहली बार। आजा लेडी बग, आजा आजा, ओ नीचे गिर गई, और कहाँ है और कहाँ है, ये देखो ढूंढनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। आ मिल गई, आ जा आ जा आ जा आ जा,
नीचे नहीं गिरी, आ गई आ गई, उड़ गई, मैं पास हो गया, बल्ले बल्ले मैं पास हो गया। मेरा रिजल्ट भी आ चुका है, अब तो 7th में हो गया है। फिर अब अंदर चलते हैं, मेरी तो क्लास शुरू होने लगी है। यार आप खुद ही बताओ, ऑनलाइन क्लासेस का क्या फायदा है? माना कि फायदा है पर इतना ज्यादा भी नहीं है। चलो फिर अब मैं क्लास लगाने लगा हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर खेलने, थोड़ी देर ही खेल लूंगा, तो अभी चलते हैं बाहर खेलने। में कितने दिनों बाद क्रिकेट खेलने लगा हूँ, लास्ट टाइम पंचकुला में खेला था क्रिकेट, तो अभी चलते हैं क्रिकेट खेलने। कुछ मैं आपको अपने वर्स्ट क्रिकेटिंग शॉट्स दिखाऊंगा। Hey guys, तो अभी शाम हो चुकी है और अभी ना बारिश का फुल मौसम होता है, बारिश भी हो रही है। और दादी माँ कहते हैं, दादी माँ ऐसी आसमान देख रही थी और दादी माँ कहते हैं स्पर्श हो देख रेनबो, अभी रेनबो भी निकला हुआ है, बहुत ज्यादा लाइट है, शायद कैमरे में दिख पा रहा हूँ, बहुत टाइम बाद निकला है रेनबो। जब लॉकडाउन था ना लास्ट टाइम, तब रेनबो आया था। ये देखो कितना अच्छा मौसम हुआ हुआ है, बहुत सही मौसम है, मजा आ रहा है फुल बारिश के, मैं तो मजे ले रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। आपको पता लगी क्या? अगर आप सोचो आप लोग भी होते तो अभी तो फुल मन कर रहा है कि पकौड़े वगैरह खाओ मस्त। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो अभी फाइनली 1 घंटे बाद जाकर लाइट आई है, क्योंकि बिजली वगैरह इतनी कड़क रही थी तो लाइट चले गई थी, अब लाइट आई है। जाके इतनी देर में ऐसे ही घूमता रहा, अभी फिर व्लॉग शूट कर रहा हूँ अभी इतनी देर बाद, तो फिर अब फिर से लाइट जाने वाले, फिर से मौसम खराब हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो फिर अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।